जैन। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो बनाता, उसमें मैंने आपको बताया था मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, रियल बताऊंगा और खुद अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आपको रियल ही बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। उससे पहले सभी भाइयों से कहना चाहूंगा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों को पता चल सके। तो मैं आपको क्यों, आप पूरी साल तैयारी करते हो, नए कमी के लिए आप बाहर हो जाते हो तो आपको कैसा लगेगा, तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मैंने खुद तीन बार फिजिकल फाइट किया है तो मुझे अनुभव है क्या है डॉक्यूमेंट में। एक दो बार मैं बाहर भी हुआ हूँ, BSM में एक बार बाहर हो गया था। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा विस्तार से, आप वीडियो पूरी तरह बने रहे, रियल बताऊंगा। पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये तो आपका जरूरी है, पहले यही इसी से आप पास हो गए, यही अंदर बोलोगे तो ये आपको लेके ही जाना है। एक डॉक्यूमेंट आपका ये हुआ, देखते जाना और नोट करते जाना। आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ये 12वीं की है, MP बोर्ड है, ये आपको लेके जाना है। 10वीं की मार्कशीट और 8वीं की मार्कशीट, ये आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है ये मैंने आपको बता दिया, नोट करते जाना। चरित्र आप एक पार्षद वाला होता है, एक आप अपना वेरिफिकेशन थाने वाला होता है, तो थाने वाला बनवा के ले जाए, चरित्र आपका जरूरी है, चरित्र है आपका, ये पार्षद वाला है। तो आपको मैं रियल ही बताऊंगा, डॉक्यूमेंट बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये अपना पुलिस वेरिफिकेशन वाला है तो ये बनवा के ले जाए। लॉटरी वगैरह बनवाते हैं, मैं कचहरी से बनवाते हैं अपन, वो भी बनवा लें। टॉमिकल वगैरह बनवाते हैं वो भी बनवा लें, ये इस तरह एडवोकेट बनवा लें आप, कलेक्ट्रेट में आपके बन जाएगा। जाति प्रमाण पत्र पिछले वर्ग के लिए आप जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। और आधार कार्ड विशेष करके आधार कार्ड ले जाना है, आपका फोटो आप रंगीन फोटो आपका ये डॉक्यूमेंट है आपके। आधार कार्ड और पैन कार्ड ये आपके डॉक्यूमेंट है, आप ले जा सकते हैं। तीन तीन फोटो कॉपी आप मतलब हर एक की तीन फोटो कॉपी करवा के ले जाए, तो फिर बाद में आपको फिरना नहीं पड़ेगा, आप लगा के ले जाओगे सेट बाय सेट तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो डॉक्यूमेंट अगर मैंने आपको पूरा बता दिया और अविवाहित डॉक्यूमेंट आप ले जाएं, अविवाहित डॉक्यूमेंट बनता है बनवा लेना। तो ये डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिया विस्तार से, कहीं भूल चूक नहीं है, यही डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। और आप विशेष करके जो भाई को बना नहीं है तो वे अपना बनवा लें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मूलवासी भी एक आपका डॉक्यूमेंट है, वो भी आप बनवा लें। पिताजी के नाम है तो भी ठीक है, अपने नाम बनवा ले तो अच्छा है, पिताजी के नाम की चल जाएगी तो वो भी बनवा लें आप। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट बताऊंगा, तो मैंने आपको विस्तार से समझाया ये डॉक्यूमेंट। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं की, टाइम वेस्ट नहीं की आपका, थोड़े समय में ही मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की। जय हिंद जय भारत।